हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम बिहार में जाति प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा। हम ऑनलाइन ही घर बैठे ही जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं बिहार का। आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं वो भी अपने मोबाइल से, तो आज के इस वीडियो में आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बिहार में जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हर बार वेबसाइट चेंजिंग होती रहती है। तो मैं आपको बता दूँगी कि किस वेबसाइट पर जाकर के आप तीनों प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन दोनों पे करेंगे तो आपको सेम वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे आपको होम पेज दिखेगा, आप एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो आप यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने महत्वपूर्ण सूचनाएं एक बार पढ़ लेंगे और मैं सहमत हूँ, आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप किस माध्यम से लेना चाहते हैं अपना प्रमाण पत्र, यहाँ पे ब्लॉक या फिर दिल्ली से, तो ब्लॉक ही आप चूज करिए क्योंकि आप ब्लॉक से रहेंगे तो बेटर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपका आधार नंबर, नाम हिंदी में नाम, और यहाँ से देखिए आप किसी भी टाइप का प्रमाण पत्र यहाँ से बनवा सकते हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो हम जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि जाति प्रमाण पत्र हमें बनवाना है। तो गाइज, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पास आधार नंबर होना आवश्यक है। जब तक आपके पास आधार नंबर नहीं होगा तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते बिहार में। तो आधार नंबर आपके पास होना चाहिए और आधार नंबर से कोई भी एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपको OTP सेंड किया जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, तब जाके आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो चलिए मैं आप फटाफट से अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो ये मैंने अपना आधार नंबर फिलअप कर लिया है। इसके बाद I hereby give my consent for using आधार, यहाँ पे आपको सबमिट क्लिक करना होगा। जब तक यहाँ पे सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपके लिए OTP, आप जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा इंग्लिश में, तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये हमने कर दिया, नाम टाइप इंग्लिश में। इसके बाद आपको हिंदी में नाम टाइप करना होगा और ये हमने हिंदी में टाइप कर लिया। और यहाँ से आप जाति प्रमाण पत्र जो भी बनवाना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीनों ऑप्शन मिलेंगे, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। आप नीचे भी डुप्लीकेट टाइप का भी बनवा सकते हैं, लेकिन हमें तो ओरिजिनल चाहिए इसलिए हम जाति प्रमाण पत्र ऊपर वाले पे ही क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना होगा जिस पर आपका OTP आएगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। ये हमने कर लिया, अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आएगा कि आपका OTP नंबर आधार नंबर सेंड कर दिया गया। ये देखिए मेरा OTP भी आ गया है, तो मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। ये हमने फिलअप किया, उसके बाद वेरीफाई कोड पे क्लिक कर दूंगा। जब तक आपका OTP वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आपके सामने फॉर्म नंबर 1 जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे यहाँ पे आपका डेट है तो 5/7/2020, ये तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि आप जिस तिथि को करेंगे वही तारीख यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद अभिवादन यहाँ पे चयन करते हैं हम लोग, क्या रखेंगे, श्री जो भी रखना चाहिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे श्री कर देते हैं। और फिर संबंध में यहाँ पे क्लिक करिए, पिता का नाम यहाँ पे इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे पिता पे क्लिक करके और यहाँ पे उनका नाम इंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पिता का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप करना होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी में टाइप कर देते हैं। ये हमने कर दिया हिंदी में टाइप और यहाँ पे इंग्लिश में कर लेंगे। ये हो गया इंग्लिश में। फिर यहाँ पे माता का नाम टाइप करेंगे, जो भी आप कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए। ये हो जाएगा हम लोगों का हिंदी में और ये हो गया इंग्लिश में। इसके बाद यहाँ पे लिंग सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी जेंडर हो आपका, पुरुष स्त्री कुछ भी कर सकते हैं, पुरुष रहने देते हैं यहाँ पे हम बात। मोबाइल नंबर तो पहले से ही हमने फिलअप किया था तो मोबाइल नंबर पहले रहने देंगे। फिर प्रमंडल यहाँ पे चयन करेंगे, प्रमंडल जो भी हो आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे, हमारा तो पटना है, हम यहाँ पे पटना सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जिला, ये हमने कर लिया अपना कैमूर भगवान। फिर इसके बाद अनुमंडल हमने यहाँ पे कर लिया मोहनिया। फिर इसके बाद अपना ब्लॉक हम चयन कर लेंगे प्रखंड यानी,
तो ये हमने कर लिया अपना प्रखंड भी सेलेक्ट। इसके बाद गांव हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ये हमने कर दिया। पंचायत या वार्ड संख्या यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पोस्ट हम एंटर करेंगे, इसके बाद थाना एंटर कर लेंगे, ये हमने कर लिया। व्यवसाय अगर कुछ करते हैं तो कर रहे तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं, हम छोड़ भी सकते हैं इसको, तो स्टूडेंट डाल ही देते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट हो गया। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित। अब यहाँ पे आप जाति सेलेक्ट कर सकते हैं अपना कि आप किस जाति से हैं, तो मैं पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग पे क्लिक कर दूंगा। और पिछड़ा वर्ग 2.1 विलोपित यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, जो भी करना चाहें। ये हमारा था, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें स्वयं शपथ पत्र भरना होगा, जिसमें आपका टोटल नाम एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी आपने फिलअप किया था। और अगर सही है तो मैं सहमत हूँ यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, अगर नहीं है सहमत है, जो भी गलती अगर कुछ ऊपर नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो मैं सहमत हूँ यहाँ पे क्लिक करूंगा और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपका जो रिसीविंग है, योर एप्लीकेशन आईडी, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और मोबाइल नंबर पे आपको वो SMS के द्वारा भी आपका एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन आईडी है। तो ये आपका एप्लीकेशन आईडी हो गया, और जाति प्रमाण पत्र देख रहे हैं अंचल अधिकारी के द्वारा, और मिलेगा आपको, आपको टोटल डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 कार्य दिवस है, सेवा प्रदान की प्रस्तावित तिथि 17/7/2020 को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको आप प्रिंट करके सेव कर लें अपने मोबाइल फोन में, ताकि आप इसको निकाल करके रख लें अपने अपने लिए, और इसका इस्तेमाल आप वहाँ पे ब्लॉग में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल पे अपनी एप्लीकेशन आई डाल करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जो जैसा भी करना चाहे आप कर सकते हैं इसको सेव करके। तो मैं यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो ये हमने कर लिया इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद आप इस तरह से जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चाहते हैं कि आपके साथ साथ यह जानकारी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को मिले, तो यह इनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर ऐसे ही जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।